How to connect Bluetooth speaker to laptop in 2020। आज की वीडियो में इस प्रोसेस को, इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने लैपटॉप के साथ में ब्लूटूथ स्पीकर को, यही मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है, बट ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेस किया। ऐसे कई सारे यूज़र्स हैं, इवन मैं भी अपने लाइफ में जब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्लूटूथ क्या होता है और एक तरीके से ब्लूटूथ के जो स्पीकर्स हैं उन्हें अपने डिवाइसेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता है। तो सीधे से बात है, मैं जिस जगह पे था उस जगह पे शायद आप आज आप हो, तो इसलिए आज इस टॉपिक को आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये है बोट की तरफ से, बोट स्टोन ग्रेनेट, काफ़ी अमेजिंग ब्लूटूथ स्पीकर, एक बजट सेगमेंट में। इसको मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से ₹1500 में और ये मुझे विद इन 24 आवर के अंदर अंदर मेरे रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो गया। तो अगर आप ऐसा कोई ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हैं जो आपको बजट में काफ़ी ज़्यादा आउटपुट दे और अच्छा बैकअप दे, तो आप इस ब्लूटूथ बोट की तरफ से बोट स्टोन ग्रेनेट पे आप जा सकते हैं। अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो जो बैटरी बैकअप इसमें आपको मिलता है फुल वॉल्यूम पे, अगर आप इसका 100% वॉल्यूम रखते हैं तो आपको ईजिली ये 5 घंटे का बैकअप देता है, विच इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। तो अगर आप सोचो, अगर आप इसको 50% वॉल्यूम के साथ में यूज़ करते हैं तो आपको ये 10 अबव 10 आवर्स के ऊपर आपको बैटरी बैकअप देगा, विच इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। तो जैसे आप इसका पावर बटन को ऑन करते तो यहाँ पर आपको एक लाइट ब्लिंकिंग होता है ब्लू कलर का। अब उसके बाद अगर आप उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को, तो इसके लिए आपको जाना है अपने लैपटॉप में जो ब्लूटूथ का सेटिंग है उसे ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको इसके गो सेटिंग ऑप्शन में जाना है ब्लूटूथ के, माउस पर राइट क्लिक करके, देन इसके बाद यहाँ से आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन करना है अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ स्पीकर को लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको जो डिस्कवरेबल का ऑप्शन है वो उस पर आपको जाना है। इसके लिए आपको ऐड ब्लूटूथ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो डिस्कवरेबल है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके जो ब्लूटूथ स्पीकर उसका नाम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपका ब्लूटूथ स्पीकर उसे ऑन करना है, तो बस जैसे आप इसके नाम पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन नाम आएगा, ये स्टोन डिवाइस कनेक्टेड। You're now connected to Boatstone Grenade. बस उसके बाद जो आपका ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपके लैपटॉप के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप ब्लूटूथ को, ब्लूटूथ स्पीकर के इस नाम पर आप क्लिक करते तो जो आपको साउंड जो मैंने अभी सुनाया वही आपको साउंड आएगा। लेट्स एग्जांपल, अगर आप इसको साउंड को, ब्लूटूथ स्पीकर को आप अपने लैपटॉप से डिसकनेक्ट करना चाहते तो जो डायरेक्टली ब्लूटूथ के ऑप्शन में जाके अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ को ऑफ कर देना, उसके बाद आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपके लैपटॉप से डिसकनेक्ट हो जाएगा इस साउंड के साथ में। तो गाइस यही एग्जैक्टली प्रोसेस है ब्लूटूथ स्पीकर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने का। सो ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर करा था। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ द वे टू कनेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर टू योर लैपटॉप एंड पीसी। दिस विल हेल्प इन 2020 एंड फ्यूचर एज वेल।